हेलो और अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो हमारे इस चैनल की। आज होगी सेवन्थ वीडियो और हम आज सेवन्थ वीडियो में अपने जो दो बॉडी पार्ट्स हिट करने वाले हैं, थर्ड टाइम आज हम लोग हिट करेंगे इन 21 डेज चैलेंज के अंदर। वो होगी फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट और सेकंड मसला हम लोग हिट करेंगे आज दोबारा से अपने ट्राइसेप्स का। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पुशअप्स के साथ, दो सेट में करूँगा पुशअप्स के अगेन, और उसके बाद हम अपनी प्रॉपर जो है वो चेस्ट की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ट्राइसेप्स की गेम पे आते हैं। स्टैंडर्ड पुशअप्स करेंगे और एक सेट में इसका कंप्लीट कर लिया, सेकंड सेट इसका दोबारा लगाते हैं अभी वार्म अप का। अब हम आएँगे अपने प्रॉपर अपनी आज की फर्स्ट गेम के ऊपर चेस्ट की, और आज मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सिर्फ डंबल्स के ऊपर आपको अपने चेस्ट के जो तीनों मसल्स हमारे होते हैं, अपर का, मिडिल और लोअर पार्ट जो होता है इसका, इन तीनों गेम्स को मैं डंबल्स के ऊपर आपको स्टार्ट करेंगे हम अपने मिडिल पार्ट से चेस्ट के, उसके बाद हम अपना फ्रंट और लोअर पार्ट जो है उसको हिट करेंगे। तो फर्स्ट सेट हमारा इसका कंप्लीट हुआ, और इस एंगल के अंदर मैं सिंपल डंबल फ्लाइंग के एंगल लगा रहा हूँ और अपने हाथों को बिल्कुल नेचुरल वे में बिल्कुल सेंटर के ऊपर लेके आ रहा हूँ। मैं आपको जो दो बाकी दो वेरिएशन दिखाऊंगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा मैं भी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस डंबल फ्लाइंग के एंगल के ऊपर मैं स्ट्रेट, जो जिम के अंदर हम नॉर्मली बेंच के ऊपर स्ट्रेट बेंच पर करते हैं, मैं उसको ज़मीन के ऊपर कह रहा हूँ, और इससे जो है हमारा मिडिल पार्ट जो चेस्ट का होता है वो हिट होता है। और सेकंड सेट इसका लगाते हैं 30 सेकंड्स की ब्रेक लेके। फर्स्ट गेम हमने आज की अपनी कंप्लीट कर ली है, इसके अंदर हमने चेस्ट का डंबल फ्लाइंग का एंगल लगाया है जो कि हमारा जो मिडिल पार्ट होता है चेस्ट का उसको हिट करता है। तो जितना ज़्यादा आप फोकस्ड एंगल लगाओगे उतना ज़्यादा अपने उस मसल को, जिस मसल की आप गेम कर रहे हो, इस टाइम हम चेस्ट की कह रहे हैं, उतने उस मसल को आप उतने अच्छे तरीके से हिट कर सकते हैं। तो अब हम आएँगे अपनी सेकेंड गेम के ऊपर जो कि हम लगाएंगे चेस्ट के अपर पार्ट के लिए। सिंपल वही होगी, डंबल्स के साथ ही लगाएंगे, डंबल फ्लाइंग का एंगल ही होगा, लेकिन हल्का सा जिस चीज़ को मैं चेंज करूँगा उससे हमारा चेस्ट का अपर मसल हिट होगा। फर्स्ट सेट मैंने अपना अपर चेस्ट को मसल के हिट करने के लिए सेट मैंने उसका कंप्लीट कर लिया 15 रेप्स के साथ, और इसके अंदर
जो लास्ट में अपना मिडिल अपने चेस्ट के मसल को हिट करने के लिए जो एंगल लगा रहा था उसके अंदर मेरे हाथ को जिस तरह से, और मैं ऐसे इसको डंबल फ्लाइंग का एंगल लगा रहा था। इसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो मैं एंगल ये लगा रहा हूँ, तो इस एंगल के ऊपर आपका अपर पार्ट आपका हिट होता है चेस्ट का। दूसरी गेम हमने अपनी चेस्ट की डंबल फ्लाइंग के ऊपर ही, लेकिन अपर चेस्ट के पार्ट को हिट करने के लिए हमारी दूसरी गेम जो थी वो कंप्लीट हो गई आपकी। और अब हम इसका एक हल्का सा एंगल दोबारा चेंज करेंगे फ्लाइंग के ऊपर ही, डंबल फ्लाइंग पे ही। और अब हम अपनी जो लोअर चेस्ट है, लोअर पार्ट है, उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। तो एक सेट मैंने अपना चेस्ट के लोअर पार्ट के लिए मैंने उसकी एक उसका सेट लगा लिया है अपनी थर्ड और लास्ट गेम का। आप इसमें देख रहे हो कि मैंने सिर्फ एंगल को हल्का सा चेंज किया है, कि पहले मैं अभी जो अपर के लिए वो मैं इस एंगल पे लगा रहा था, और अब लोअर के लिए मैं उसको इस तरह लगा रहा हूँ इस ग्रिप के साथ। तो जब आप इस ग्रिप के साथ फ्लाइंग लगाओगे तो आपके लोअर पार्ट को हिट करेगा। तो चेस्ट का हमारा वर्कआउट आज का कंप्लीट हो गया है। तीन हम लोगों ने गेम्स की हैं सिर्फ डंबल्स के ऊपर ही वेरिएशंस के साथ, जिसका हमने अपना मिडिल पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट हिट किया डिफरेंट ग्रिप के एंगल्स के साथ। फर्स्ट गेम करेंगे रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ, और इसका जो आज हम जो गेम करने वाले हैं वो होगी केबल एक्सटेंशन। केबल एक्सटेंशन का ये एंगल है ऑल्टरनेट, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर आज करेंगे। फर्स्ट सेट मैंने इसका कंप्लीट किया है ओवरहेड केबल एक्सटेंशन का, और इसके अंदर ट्राइसेप्स का जो मेन पार्ट हिट हो रहा था वो आपका लॉन्गर हेड होता है। तो लॉन्गर हेड को हिट करने के लिए ये वाली गेम नॉर्मली यूज़ की जाती है, और इसका सेट मैंने कंप्लीट किया 12 रेप्स के साथ। तो अब हम ना सेकेंड सेट लगाते हैं। अपनी कमर को और अपनी कोनियों को आपने दोनों को अपनी जगह से बिल्कुल मूव नहीं करना। कमर आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, कोनियाँ आपकी एक जगह पे रहनी चाहिए। सिर्फ आपका फोर आर्म जो है वो आपका मूव करेगा, और वो प्रॉपर आपके ट्राइसेप्स के लॉन्गर हेड को टारगेट करेगा। तो एक गेम हमारी कंप्लीट हो गया, अब हम अपनी सेकेंड गेम पे आते हैं। तो अब हम आ गए अपनी सेकेंड गेम के ऊपर ट्राइसेप्स की। इस एक्सटेंशन के एंगल के अंदर हमारा नॉर्मली जो है ये आपका अगला पार्ट होता है, शोल्डर पार्ट जो होता है आपके ट्राइसेप्स का, ये वाला मसल हिट होता है। और बात वही है, फोकस होकर लगाओगे, स्लो लगाओगे, पूरे जो है वो अपने मसल के ऊपर जोर डालोगे और अपना एंगल ठीक रखोगे। कमर मेरी बिल्कुल स्ट्रेट थी इसके अंदर भी, और मेरा सिर्फ और सिर्फ
फोरआर्म से आगे वाला पार्ट हिट मूव कर रहा था, मेरा कोनिया जो है वो मेरी बिल्कुल मूव नहीं कर रही, वो एक ही जगह पे स्टैटिक पोजीशन में है, और मैं इस तरह से अपनी गेम का एंगल कंप्लीट कर रहा हूँ। तो सेकंड सेट हमने अपना कंप्लीट किया केबल एक्सटेंशन के साथ, जिसके अंदर फर्स्ट गेम में हमने अपना लॉन्गर पार्ट ट्राइसेप्स का हिट किया था, और इस सेकंड गेम के अंदर हम अपना जो शॉर्टर पार्ट है ट्राइसेप्स का, हम उसको हिट कर रहे थे। अब लास्ट गेम आपको पता है कि मुझे डिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक बेहतरीन गेम था ट्राइसेप्स की। तो हम लोग अपने डिप्स का एक गेम अपने डिप्स की करेंगे, उसके 2 से 3 सेट उसके लगाएंगे, 2 सेट ऑन कैमरा और 30 सेट ऑफ कैमरा। डिप्स का मैंने एक सेट कंप्लीट कर लिया है, और इसके अंदर जो आपकी पोजीशन होती है हाथों की, वो आपने अपने बिल्कुल हिप्स के एंगल तक आपने अपने हाथ को खोल लें, थोड़ा सा आगे होंगे, हल्की सी टांगें बेंड कर लें, टांगें स्ट्रेट करके भी होंगे लगता है ये, और सिर्फ आपने ये करना है कि आपने अपना एंगल सीधा रखना है, जहाँ नीचे जाओगे वहीं से ऊपर आओगे, ऊपर ला के आपने पूरा ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करना होगा, स्ट्रेच करोगे स्लो लगाओगे। मैंने इस टाइम पे 20 रेप्स किए हैं फर्स्ट सेट में, आपको ज़रूरत नहीं आप 20 करें, आप स्टार्ट करें अभी तो आप इसको 10 से 15 रेप्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारी आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, 7 डे था आज हमारा, और आज हमने हिट किया अपने चेस्ट के मसल को और ट्राइसेप्स के मसल को। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइएगा, क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको तभी सबसे पहले मिल सकती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हमारा डे 8 होगा इस सेशन का, इस 21 डेज चैलेंज का। तो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।